दोस्तों अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा की जोड़ी पर्दे पर काफी पसंद की जाती है। दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया जिसमें ऐतराज, मुझसे शादी करोगी और वक्त जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। हालांकि फिल्म वक्त के बाद दोनों कभी एक साथ एक फिल्म में नजर नहीं आए। ऐसे में फैंस दोनों को एक साथ देखने के लिए काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब उनके फैंस का इंतजार खत्म हुआ है। जी हां, हाल ही में अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा का एक गाना यूट्यूब पर रिलीज किया गया है। हालांकि सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गाने को 17 साल बाद रिलीज किया गया है। बता दें कि साल 2005 में इस गाने को शूट किया था और 22 में रिलीज किया गया। वो पहली बरसात सॉन्ग को प्रियंका और अक्षय कुमार ने फिल्म बरसात के लिए शूट किया था। हालांकि अक्षय कुमार ने इस फिल्म को बीच में छोड़ दिया था, जिसके बाद डायरेक्टर सुनील दर्शन ने बरसात फिल्म में बॉबी देओल को कास्ट किया था और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट भी साबित हुई थी। लेकिन अब अक्षय और प्रियंका चोपड़ा का जो रिलीज हुआ है गाना, वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। लोगों को इनकी केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है। हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर सुनील दर्शन ने इस गाने के बारे में बताया कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के साथ गाना वो शूट कर चुके थे। कुछ प्रॉब्लम हो जाने की वजह से अक्षय कुमार को ये फिल्म बीच में छोड़नी पड़ी थी, लेकिन बाद में इस गाने को अभिनेता बॉबी देओल के साथ शूट किया गया था। वैसे अब इतने सालों बाद जब प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का ये गाना यूट्यूब पर रिलीज किया है तो ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दोनों इस गाने में काफी बोल्ड सीन करते नजर आए हैं। दोनों बारिश में भीगे हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आप हमें कमेंट करके बताएं कि अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा के इस गाने पर आपका क्या कहना है। न्यू अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।